नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल लूसीफर वेट में। आप सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद, आप हमारी वीडियो को धीरे धीरे प्यार दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी बछड़े के मैनेजमेंट के बारे में, बछड़ा कैसे तैयार करेंगे आप, और आज की वीडियो का टाइटल भी आपने देखा होगा और थंबनेल देखा होगा सॉरी, तो आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम होगा वो होगा हीफर के लिए, यानी कि ओसर के लिए, एक जो बेहतर कल की बछिया है उसको तैयार कैसे करेंगे। दोस्तों, हमारा लक्ष्य आप लोगों तक एक अच्छी जानकारी पहुंचाना है और एक सुगम डेयरी पालन जो आप हमारे किसान भाई करना चाहते हैं उसका हमारा एक लक्ष्य है। तो आज की वीडियो में हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि आप एक बेहतर कल की बछिया को तैयार कैसे करें। दोस्तों, बछिया की देखभाल के लिए आपने उसको कोलेस्ट्रम फीडिंग का सबसे पहले ध्यान रखना है, और जिस तरीके से बछिया बड़ी हो रही है तो उसका हमेशा वजन करते रहना है। अब बछिया बड़ी होगी, उसके पोषक तत्व जो उसके अंदर कमी होती है जानवरों को, उनको पूर्ण करने के लिए आपको उसको टाइम टाइम पे कैल्शियम मिनरल्स ये सारी चीज़ें उसको उपलब्ध करवानी है। क्या होता है, इसमें दो सिस्टम भी हो सकते हैं आपके। एक हो सकता है कि आपको उसको आउटडोर सिस्टम में रखें, जैसे कि खुले चरागाह में आप अगर बछिया को छोड़ रहे हैं तो उसमें भी आपको एक ध्यान रखना होगा कि जो चरागाह का क्षेत्र है उसमें घास पर्याप्त मात्रा में हो जिससे उसको पौष्टिक तत्व मिल सकें। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप उसको घर में बिल्कुल अंदर इंडोर सिस्टम है तो उसमें आप उसका टाइम टू टाइम ख्याल रख रहे हैं, उसको खाना पानी टाइम से मिल रहा है, ये उसकी ग्रोथ में एक बेस्ट टाइम होता है। अब बछिया बड़ी हो रही है तो अब आपको ये भी होना याद रखना होगा कि 6 महीने के टाइम में उसकी वैक्सीनेशन ज़रूरी है। वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम उसकी होनी चाहिए, डीवॉर्मिंग होनी चाहिए, कीड़ों के मारने का भी प्रबंध आप पूरा करें। अब बाज़ार में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो कई बार हार्मफुल भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी अच्छी फीड्स हैं जो कि हीफर के मैनेजमेंट के लिए आ रही हैं, ओसर को तैयार करने के लिए अच्छी फीड्स आपको बाज़ार में मिल जाएंगी, या आप पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। अब बात की जा रही है कि जब ओसर प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है, उसकी ब्रीडिंग की एज हो जाती है, तो उसमें हम अलग अलग ब्रीड्स का आपको बता रहे हैं। जो भारतीय गौवंश की है वो लगभग 24 से 30 माह का समय लेती है, और जो विदेशी नस्ल है वो 15 माह के अंदर ही उसकी ब्रीडिंग एज जो है वो हो जाती है। जो मिक्स्ड ब्रीड है वो 24 से 30 के बीच के टाइम में फर्स्ट ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। अब हीफर है जो पहली बार तैयार हो रही है काविंग के लिए, पहली बार बच्चा देगी, पहली बार ब्याहेगी, तो उसका आपको खास ख्याल रखना होता है, उसकी केयरिंग करनी होती है, मृदुलता से उसका व्यवहार करना चाहिए ताकि वो गुस्सैल ना हो। जब आप उससे मिल्किंग करेंगे, उसको दूने के लिए जाएंगे, तो उस समय पे वो आपसे भी उसी तरीके से पेश आए। अगर आप उससे क्रूरता से व्यवहार करेंगे तो वो भी उसी तरीके से गुस्सैल होती जाएगी। अब ये आता है कि हीफर को थोड़ा एक्सरसाइज भी करवाएं, एक्सरसाइज से जो है आपकी हीफर एक्टिव रहेगी और एकदम से तंदुरुस्त रहेगी। उससे उसके बाद कलिंग जो एक होता है ना प्रोसेस, जब हीफर बिल्कुल तैयार हो गई है तो अगर, या तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारी बछड़ी पूरी तरह से तैयार है, उसे अलग कर दिया जाए, या वो ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं भी है तो भी उसे उस सेट से अलग कर दिया जाए। ये हीफर की कुछ मेन बातें हैं कि आप हीफर का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। आपको हीफर के ये कुछ खास पॉइंट याद रखने होते हैं। जिस तरीके से अब हमारे किसान भाइयों को दिक्कतें आती हैं कि हमारी जो बच्ची है वो
गाभिन नहीं हो पा रही है, वो ठहर नहीं पा रही है। तो ये क्या कारण होते हैं कि हमारी जो बच्चिया है उसको आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण जो है वह एआई को कंसीव नहीं कर पाती है, कृत्रिम गर्भाधान को ठहर नहीं पाता है उसके अंदर। तो ये वही कारण होते हैं जब आप पूरी तरह से देखभाल नहीं कर पाते अपनी बच्चिया की। तो हमारा मकसद आप सभी किसान भाइयों को यही है कि हम आपको एक बेहतर ब्रीडिंग के बारे में जानकारी दें, आपको किस तरीके से अपनी बच्चे का देखभाल करना है वो हमने आपको बताया। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप हमसे वीडियो कॉल या अन्य किसी मैसेज पे संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।